माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिवराज सरकार के कुशल नेतृत्व में मैंने यानी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने ठाना है कि 30 साल के सामाजिक जीवन के बाद अब समय आ गया है जबलपुर के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने का। स्वच्छ नर्मदा, अविरल नर्मदा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और रिसाइकलिंग प्लांट के जरिए नर्मदा माई को स्वच्छ और अविरल बनाना है। पेयजल व्यवस्था, 2024 तक नल से हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य। 25 नई पानी की टंकी भी बनाई जाएंगी जिससे जबलपुर वासियों को पेयजल की कोई समस्या ना हो। व्यवस्थित यातायात, फ्लाईओवर निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ISBT में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी जिससे लोगों को ट्रेवल करने में आसानी हो। ई गवर्नेंस के जरिए निगम की तमाम सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा जिससे आम जनता को सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। विद्युतीकरण, पूरे शहर में LED लाइट्स लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। हर वार्ड के आखिर घर तक व्यवस्थित तौर पर बिजली पहुंचाई जाएगी। रोजगार, रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए ऋण सुविधा दी जाएगी जिससे हजारों स्वरोजगार खड़े हो सकें और लाखों को रोजगार मिल सके। शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अलग बजट जिससे बियॉन्ड बाउंड्रीज एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और सर्व शिक्षा अभियान को निर्णायक मोड़ तक लाया जा सके। अब बारी जबलपुर को व्यवस्थित विकास की ओर ले जाने की, क्योंकि जब सोच हो दूरदर्शी और कदम हो रचनात्मक तो कुछ भी असंभव नहीं। 30 साल के सामाजिक जीवन के साथ कोरोना काल में आप तक मदद पहुंचाने वाला कोरोना वॉरियर डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने अपना राष्ट्रधर्म निभाया है। अब बारी हमारी है। 6 जुलाई को कमल का बटन दबाएं, डॉक्टर जितेंद्र जामदार को विजयी बनाएं, देश निर्माण में अपना धर्म निभाएं। जय हिंद, जय भारत।